अब आऊं मैं उस पॉइंट पे कि ये ओढ़ने में ना मैं शान समझती हूँ, ये ओढ़ने में मैं शान समझती हूँ। क्यों? अगर मैं ये ओढ़ के निकलती हूँ ना, तो वो जो हरे रंग की पगड़ी में जो इंसान बैठे है ना, वो मुझ पे ताव दे सकते हैं कि मेरी बेटी है। मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बेटियाँ बैठी हैं, अगर जिंदगी में कोई महान काम ना कर सको ना, कोई बात नहीं, ऐसे कॉन्फिडेंट होके मेरी तरह नहीं बोल पाओ ना, कोई बात नहीं, पढ़ भी ना पाओ तो भी कोई बात नहीं, पर कभी ये मत छोड़ना। पता है क्यों? मैं अगर अदर कास्ट की 1200-1500 लेडीज ला के यहाँ पे इनके बीच में ये लेडीज बैठी हैं, इनके बीच में बैठा दूंगी ना, ये इन सबको आप अलग से कह सकते हो कि ये राजपूत लेडीज है। अब मैं थोड़ी पीछे चली जाती हूँ, मैं 1200-1500 लोग ला के अदर कास्ट के वहाँ पे बैठा दूंगी, आप तो अभी परिवेश में पीछे बैठा दूंगी, तो कोई पता नहीं सकता कि कौन राजपूत है और कौन अदर कास्ट का है, ये इन्होंने संभाला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अगर जीन्स टी शर्ट पहन के निकलूँ राजकोट से यहाँ तक आऊँ, कोई नहीं बात नहीं है, कोई मुझे टोक नहीं सकता, इतनी एज है मेरी कि मुझे कोई टोक ना सके। पर ये इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ननिहाल की जो इज्जत है ना, वो इस ओढ़ने में छुपी हुई है। कितनी बड़ी भी स्टार हो, करीना कपूर हो, कैटरीना कैफ हो, कितने करोड़ भी कमाती हो, पर वो कभी राजपूतानी नहीं बन सकती, वो कभी ये नहीं कह सकती कि मैं महाराणा प्रताप के वंश से हूँ, नहीं कह सकती ना। हमारे अंदर वो लहू है, वो ब्लड है कि हम यहाँ पे खड़े होके